नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय चौरसिया का स्थानीय कार्यालय में पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों से वार्ता की। प्राप्त विवरण के अनुसार चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अपना दल एस युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष का उन्नाव जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय कस्बे के मिर्री चौराहा स्थित संगठन के प्रधान कार्यालय में प्रदेश मीडिया प्रभारी एडवोकेट रत्नम चौरसिया व जिलाध्यक्ष शिवम चौरिशी ने पदाधिकारियों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान विजय चौरसिया ने पदाधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा की। उन्होंने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा व केंद्रीय मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल एवं कार्यवाहक अध्यक्ष MLC आशीष पटेल के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में युवा हुनकार रैली के तहत कई जनपदों में भ्रमण कर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ों, कमेरों, शोषितों, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए पार्टी ने सदैव संघर्ष किया है। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि संगठन को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान करें। संगठन के पदाधिकारियों में पुरुषोत्तम चौरसिया, लवकुश चौरसिया, शुभ चौरसिया, शिवम चौरसिया, रौनक चौरसिया, गौरव शर्मा, विशाल चौरसिया, ललित चौरसिया समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। जनमंच खबर के लिए उन्नाव से रिंकी सोनकर की रिपोर्ट। देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।